बहराइच जिले के नगर पंचायत मिहींपुरवा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कुड़वा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार देश व प्रदेश के नागरिकों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसी कड़ी में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा सिकल सेल एनीमिया के खात्मे हेतु कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया है। वर्ष 2047 तक इस बीमारी के खात्मे के साथ आगामी 3 वर्षों में लगभग 3 लाख लोगों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्री पाठक ने लोगों का आह्वान किया कि संचारी रोग के खात्मे हेतु अपने आसपास साफ सफाई रखें ताकि मच्छर जनित बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सके। श्री पाठक राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर सभी चिकित्सकों को बधाई दी। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आह्वान किया कि 1 वर्ष में 40 वर्ष तक आयु के सभी लक्षित व्यक्तियों की जाँच डाटा एकत्रित कर ले ताकि इस जानलेवा बीमारी का खात्मा किया जा सके। मध्य प्रदेश की धरती शहडोल से पूरे देश में एक ऐसी बीमारी के उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया है जो 2047 तक हम समाप्त करेंगे। बहराइच सहित अपने प्रदेश में 7 ऐसे जिले हैं जहां पर इस बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं। हम 0 से लेकर 40 तक की उम्र के प्रतिवर्ष 82,000 ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका इलाज करेंगे, उनके जांच करेंगे, उनको कार्ड बना कर देंगे और उनको जीवन में सुखमय व्यवस्था मिले, उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसको हम सुनिश्चित करेंगे और ये कार्यक्रम लगातार जाता रहेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।